दोस्तों फाइनली Realme 8 5G FCC के ऊपर लिस्ट हो चुका है, जहां पे इसका मॉडल नंबर बताया जा रहा है RMX 3241, और यही सेम मॉडल नंबर लिस्ट हुआ था कुछ ही दिनों पहले BIS और NBTC सर्टिफिकेशन के ऊपर, जहां पे ये सेम ही मॉडल नंबर कंफर्म किया गया था। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इंडिया में Realme 8 5G वर्जन बहुत ही जल्द आने वाला है, और Realme 8 सीरीज के लॉन्च के दौरान माधव सेठ जी ने भी ये कंफर्म किया था कि हम लोग लास्ट स्टेज में है टेस्टिंग के Realme 8 5G सीरीज का। तो यहाँ पे इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन इसे मिल चुका था, बस FCC सर्टिफिकेशन का वेट था जो कि कंफर्म्ड हो गया है। तो यहाँ पे कुछ ही स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आए हैं, बट बहुत सारे स्पेसिफिकेशन अभी अननोन है हमारे लिए, बट हम कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या कुछ रहेगा इसका प्राइस, और कब तक ये स्मार्टफोन आपको एक्सपेक्टेड लॉन्च होने को देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना सारे डिटेल्स जानने के लिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, चैनल पर नए हो या आवाज पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए और मेहनत से लाते रहे। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों FCC सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन रिवील हुए हैं, जिसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और डेफिनेटली देखना यही होगा कि ये 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज 8 4G में भी आपको सेम चीज देखने को मिली थी। अब यहाँ पे इसके अलावा ये एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस होगा, जो कि सपोर्ट करने वाला है Realme UI 2.0। साथ में इस डिवाइस का जो वेट है अप्रॉक्स 185 ग्राम रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों इसका जो प्रोसेसर होगा वो 2.4 GHz के ऊपर क्लॉक्ड रहेगा, जो कि सपोर्ट करने वाला है NFC और डुअल 5G कनेक्टिविटी को। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन को लेके। तो यहाँ पे आपको Realme 8 4G से बहुत सारे कुछ स्पेसिफिकेशन सिमिलर देखने को मिल सकते हैं बजाय प्रोसेसर के। सबसे पहले बात करें हम लोग अपने परफॉर्मेंस को लेके, यानी प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन का 750G चिपसेट देखने की बहुत ज्यादा चांसेस है इस स्मार्टफोन में, बिकॉज ये 5G स्मार्टफोन रहने वाला है। तो यहाँ पे ये ही प्रोसेसर सबसे चीपेस्ट प्राइस में आपको इस स्मार्टफोन में दिया जा सकता है Realme की तरफ से। इसके अलावा आप बात करें इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन को लेके, तो डिस्प्ले और डिजाइन जो है वो काफी सिमिलर रहेगा Realme 8 4G की तरह। ये डियर टू लिप का लोगो बैक साइड में, ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक फिनिश, 2 to 3 कलर्स में अवेलेबल होंगे। साथ में जो डिस्प्ले होगी फ्रंट साइड की एमोलेड पैनल के साथ आएगी, विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड अप्रॉक्स 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, और टॉप राइट कॉर्नर में आपको नॉच भी देखने को मिल जाएगा, और बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल को लेके, तो रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है एग्जैक्टली Realme 8 4G की तरह, जहां इसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर, जो कि Realme ने अभी पहली बार लॉन्च किया अपने 8 सीरीज में। इसी के अलावा फ्रंट साइड की बात कर ले तो मिनिमम 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। इससे ज्यादा दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन अभी रिवील नहीं हुई है, अननोन है सारी डिटेल्स, और डेफिनेटली माधव सेठ जी अगर कंफर्म करते हैं कुछ और भी अच्छे स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन को लेके, तो इन फ्यूचर मैं और एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट की अगर मैं बात कर लूं, तो ये स्मार्टफोन अप्रैल के एंड वीक तक लॉन्च होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और इसका जो बेस मॉडल का प्राइस है अप्रॉक्स 18,000 से 19,000 हो सकता है बिकॉज ऑफ 5G प्रोसेसर, और इसके अलावा कुछ खासा चेंजेस मुझे नहीं लगता है Realme देगी इस स्मार्टफोन में। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।